लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बाय बाय। लाल मस्जिद की हिस्ट्री तो आप सबको पता होगी कि काफ़ी स्कैम्स और सॉरी काफ़ी स्कैंडल्स लीक हुए थे कि परवेज मुशर्रफ और पता नहीं क्या क्या टेररिस्ट अटैक। मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आ गया हूँ शॉर्ट पौधे के साथ। शॉर्ट पौधे की स्टडी की थी हम लोगों ने। यूनिवर्सिटी का टाइम हो गया, यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। तो क्योंकि अरसलान और साथ तो पहले निकल गए, वो लोग तो पहुँचने वाले होंगे। बस मैं तैयार होकर निकल रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम है, तीन क्लासेस हैं। आज तो जुम्मे का दिन है, नॉर्मल डे है। तीन क्लासेस के बाद छुट्टी। तो चलते हैं यूनिवर्सिटी में, फिर आपसे मिलते हैं। वेल गाइस, क्लास का टाइम ख़त्म हो गया, क्लास भी ख़त्म हो गई। तो शाह साहब इधर ही है, बस निकलते हैं हम लोग यहाँ से। यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। जुम्मे का टाइम है, जुम्मा पढ़ के फिर मिलेंगे आज। ये मेमूर साहब हैं, जाली डॉक्टर। कल इनसे बीपी चेक नहीं हो रहा था, कल आपने देखे होंगे। तो शाह साहब जिंदाबाद। चलते हैं फिर, फ्रेश वगैरह होते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो कुछ देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई और नीचे आए हैं, अरसलान भाई हमारे साथ हैं। तो सीन ये है कि लड़के बैडमिंटन खेल रहे हैं, हमने भी सोचा कि इनके साथ बैडमिंटन खेला जाए, क्यों थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। रोज़ा वोज़ा तो रखा हुआ है थोड़ा। बैडमिंटन खेलेंगे इनके साथ। ये होनहार स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास रहीमुल्लाह खान, होनहार बच्चे सामने हो, सामने हो, सामने हो, वीडियो बन के चलते हैं। बैडमिंटन थोड़ा खेलते हैं, फिर जुम्मा पढ़ने जाएंगे। लोग मिलाएगा ना, फ्रेश वगैरह होकर जुम्मा पढ़ के फिर देखेंगे। इफ्तारी की तैयारी तो बाद में करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो फिर शाम में मिलेंगे आपसे। वेल गाइस, बैडमिंटन खेल लिए, अभी हॉस्टल के लिए रवाना हो गए। हॉस्टल जा रहे हैं, कुछ गर्मी तो बहुत लगी हुई है, लेकिन ये है कि फ्रेश वगैरह हो के जुम्मे की तैयारी करें, जुम्मे की नमाज़ पढ़ें, फिर थोड़ा रेस्ट करें और फिर आके देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या कहानी है। जुम्मा तो हम लोगों ने लाल मस्जिद में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि सारी डिटेल लाल मस्जिद। जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है, तो एस यू नो के लाल मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है। तो लाल मस्जिद की हिस्ट्री तो आप सबको पता होगी कि काफ़ी स्कैम्स और सॉरी काफ़ी स्कैंडल्स लीक हुए थे कि परवेज़ मुशर्रफ और पता नहीं क्या क्या टेररिस्ट अटैक। मैं इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन यह है कि आपकी सपोर्ट होगी तो लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जितनी ज़्यादा कमेंट में बताएँगे कि आपको हिस्ट्री पता है नहीं पता है, उसी के हिसाब से एक व्लॉग लाल मस्जिद का बन जाएगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। इस पर वर्कआउट करूँगा, वर्क करूँगा इस पर लाजमी। यह है कि अभी चलता हूँ, थकावट ज़्यादा हो रही है, नमाज भी पड़ी है, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर शाम में मिलते हैं। सीन ये है कि कंटिन्यू तो वो के उठ गए थे, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है, तो बना रहे शरबत, फुल जामी शीरी वामी शीरी। और वो देखें सामने फ्रूट चाट बना पड़ा है, अभी अभी बनाया भाई, आपके भाई ने बनाया। तो अभी शरबत बनाएंगे, फिर इसमें क्रीम व्रीम ऐड करेंगे। सीन ये है कि भाई रूह अफ़ज़ा मैंने ऐड की है, साद भाई को पसंद नहीं है। साद भाई बोलते हैं बहुत कम है, मैंने कहा अपनी मर्ज़ी से डाल दो भाई, बस बहुत है, बस बहुत है, क्योंकि इसमें शुगर वुगर भी ऐड कर लिया आपके भाई ने, तो रूह अफ़ज़ा अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। यही पता चलेगा कि रमज़ान के बाद डायबिटीज़ लगी हुई है, साथ को भी डायबिटीज़ है और अम्मा को भी डायबिटीज़ है। तो ये तो तैयार हो गए, अभी फ्रूट चाट में मलाई ऐड करनी है और उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करना है, तो करते हैं वो भी। तो यार
ये ड्यूटी भी करनी है अभी, इसमें क्रीम ऐड करनी है। यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट है भाई, सब काम खुद करना पड़ता है। तो अभी इसमें शुगर वगैरह ऐड करें, आपको दिखा दूँ। डायबिटीज़ पेशेंट तो बनेंगे ही बनेंगे भाई। इसको वॉश करना पड़ेगा, अभी गिर गई थी नीचे। बता क्या कर, गाइस चप्पल वगैरह लेने के लिए आए हैं हम लोग। तरावी वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माफिया खड़ा है यहाँ पर, 50 रुपये मांग रहे हैं चप्पल और उसके। निकालो निकालो, 50 रुपये दे रहे हैं। और ये देखो ये ऊपर खड़ा हो गया, बोलता है मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, नीचे देखो। तो 50 रुपये दो, देता हूँ। निकाल यार निकाल जल्दी कर। अच्छा बगैर किरा रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर, आ गया हूँ सहरी के टाइम। लेट्स कंटिन्यू। तो सहरी वगैरह कर ली हम लोगों ने, आई गेस के 5-6 बजे की सहरी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। रात को मैंने तरावी फैसल मस्जिद में पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। दिल थोड़ा परेशान कर रहा हमने कहा फैसल मस्जिद में तरावी पढ़ी जाए। तो चलते हैं, सुनते पढ़ने का टाइम है, जल्दी जल्दी चलते हैं। और हमने नमाज़ पढ़ना, तो हमारी पक्की नमाज जो होती है वो लाल मस्जिद ही होती है। लाल मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे तो रसूल में पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, सहरी बहुत टाइट की है, ओबेसिटी भी हो रही है, पेट हैवी हो रहा है। तो चलते हैं जल्दी, चिंता पढ़ते हैं, फिर फर्ज पढ़ते हैं। रोशनी का टाइम थोड़ा वॉक शॉक करेंगे, थोड़ा जिक्र फिक्र करेंगे, तो फिर सोएंगे। आज है वीकेंड, तो वीकेंड में सही दबा के सोएंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे आगे। वेलकम गाइस, तो सीन ये है कि वेलकम गाइस, नमाज़ वगैरह पढ़ ली हम लोगों ने। गाइस मीन फैमिली फ्रेंड वट एवर। एक बंदा है जिसने मुझे टोका था, मतलब उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि गाइस वर्ड यूज़ नहीं करना। क्यों? फैमिली फ्रेंड वट एवर। मैं उस बंदे को अभी याद कर रहा हूँ, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। उसने मुझे सजेशन दी, क्यों? क्योंकि ज़रा भाई माना है, दोस्त माना है, सब कुछ माना है, तो इम्प्रूव करना चाह रहा। बाकी ये है कि अल्लाह उसको भी इज़्ज़त दे, उसने भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, अल्लाह मुझे भी दे। वो बच्चा जो आजकल फेमस हुआ हुआ है, कितना सा है, 7-8 साल 6 साल का है, लेकिन अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दे दी है। तो अभी शाम रमज़ान में भी चला गया है, अभी देखें फेमस ही फेमस। उसके एटलीस्ट उसके गाँव के लोग जो है ना, उनके लिए भी मोटिवेशन बन गई है कि कुछ करें अपने लिए। तो नमाज़ भी पढ़ ली उन्होंने, अल्लाह का जिक्र फिक्र कर लिया। पिछले व्लॉग में काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर में मैंने क्लिप यूज़ किया था लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला, वो मेरी छोटी सिस्टर हैं जिन्होंने ऐसे फ़नी अंदाज से वो बनाया था क्लिप, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो भी थोड़ा इस फील्ड में आए, क्योंकि हर बंदे को नहीं पता कि सोशल मीडिया के क्या इंपॉर्टेंस हैं। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह इज़्ज़त दे अल्लाह। वो बोलते हैं ना, वत मन तशा वत मन तशा, अल्लाह देने इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह की ज़ात है और इज़्ज़त लेने वाला भी अल्लाह की ज़ात है। तो हमारे व्लॉग की जर्नी यहीं तक थी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए।